Bulabinaka, I'm another Sorbokro of Nayabu Wenimboga Telebu. Whenever I want to tune in to listen to great music, I always tune in to my favorite radio station, Gold FM, only the classic. My name is Lita. We love listening to Gold FM here at the Fiji Hideaway Resort and Spa. Gold FM, only the classic hits. We're here at Tano Waterfront Lautoka. Love listening to Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शशि चंद। जनरल इलेक्शंस में पुलिस ऑफिसर्स राजनीतिक गतिविधियों में नहीं उलझ सकते हैं, ये कहना है चीफ ऑफ ऑपरेशंस एसीपी रुसियाते तुनरावू का। इलेक्शन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को निष्पक्ष होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को राजनीति से दूर रहना चाहिए। फोर्स इस बात को ध्यान में रखेगी कि कानून और व्यवस्था हर वक्त बनी रहे। तुनरावू का कहना है कि तैयारियां हो रही हैं, जनता की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस फोर्स ने अपना इलेक्शन प्लान सरकार को सौंप दिया है। नॉर्दर्न सब डिवीजन हेल्थ सेंटर्स और नर्सिंग स्टेशन से लंबासा अस्पताल में मेडिकल ट्रांसफर्स की मांग बढ़ रही है। नॉर्थ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट चोची वुलिम्बेंदी का कहना है कि एक नए एम्बुलेंस के आ जाने से भीतरी इलाकों में रह रहे लोगों तक 24 आवर्स सर्विस पहुंच सकती है, जबकि कई गर्भवती महिलाएं और बीमार बच्चों को इसकी जरूरत है। जापानीज गवर्नमेंट द्वारा $150,000 से भी ज्यादा पैसे लंबासा डिविजनल हॉस्पिटल को दिए गए हैं, जिससे इमरजेंसी में सही समय पर मदद पहुंचाई जा सके। वुलिम्बेंदी ने आगे कहा कि पुराना एम्बुलेंस हॉस्पिटल के खर्च को बढ़ा रहा था, क्योंकि खराब रास्तों की वजह से इनके मरम्मत कार्य पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। जापानीज एम्बेसडर टू फिजी मासाहिरो ओमुरा ने कहा कि ये फंड्स उनके ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रासरूट्स ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जो कि गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव में शामिल है। फिलहाल सरकार इस बात से अवगत है कि नॉर्दर्न डिवीजन के फिजियंस किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे संबंधित अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे सेवाएं और बेहतर हो सके। कुम्बुलाव डिस्ट्रिक्ट बुआ में मछुआरों के लिए अब मछली प्रिजर्व करना सहज हो गया है। कोरियन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने बुआ की जनता को एक नया आइस प्लांट दान में दिया है। मछलियों को आइस में रखने के लिए सालों से बुआ के मछुआरे नंबोवालू, सवुसावू या लंबासा जाते थे। नया आइस प्लांट नए कुम्बुलाव गवर्नमेंट स्टेशन के पास है। जो महिलाएं रोजाना मछली भोजन के तौर पर पकाती थी या उसे बाजार में बेचने जाती थी, पारंपरिक तरीके से उसे प्रिजर्व करती थी। नए आइस प्लांट के आने से उन्हें मॉडर्न और आसान रास्ता मिल गया है। कल शाम प्लांट का उद्घाटन करते हुए प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनीमरामा ने कोरियन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को धन्यवाद दिया और कहा कि नए आइस प्लांट से वहां के मछुआरों के जीवन पर असर पड़ेगा। और अब खेलकूद में, सुपर रग्बी फैंस के लिए अच्छी खबर है, जबकि एएनजेड स्टेडियम में इस साल एक और मैच होने की पुष्टि की गई है। इस बार ड्यूनडीन की हाईलैंडर्स जून में सुबह के चीफ्स को होस्ट करेंगी। चीफ्स और क्रुसेडर्स ने इस साल अपनी अनुपस्थिति जाहिर की, जिस कारण हाईलैंडर्स ने इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दिया और आउटसाइड बैक तेविता नंबूरा को हाईलैंडर्स में खेलते देखना चाहते हैं। मैच जबकि जून में रहेगा, ऐसे में टिकट्स अगले महीने की। ये थे आज के समाचार। इन खबरों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM पर भी सुन सकते हैं। आपको शशि चंद का नमस्कार। मैं प्रमिला वायरुकु रेकी रेकी से सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं मिर्ची FM सुनती हूँ। मिर्ची FM इज नंबर वन, इट्स सो हॉट। हम लोग बार टाउन के केरियर ड्राइवर लोगों ने हम लोग के मिर्ची FM सुनो अच्छा लगे। मिर्ची FM इज हॉट। हाय, मैं संध्या नारा रेफरी से, मेरे सारे दोस्त मिर्ची FM सुनते हैं। मिर्ची FM इज हॉट, आई लव मिर्ची FM। हमें स्पिन टॉक ताबू आके मिर्ची FM में सबसे अच्छा गाना बजे। मिर्ची FM इज हॉट।